हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइकॉन Z30 की, जो कि एक मिररलेस कैमरा है, 21 मेगापिक्सल का है, 20.9 मेगापिक्सल का इसका सेंसर है, इमेज सेंसर। ये एक क्रॉप सेंसर कैमरा है। दोस्तों, आज हम इसकी वीडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे, इसके स्पेक्स की बात करेंगे और इसकी मार्केट प्राइस क्या है उसकी बात करेंगे। मैं अपने चैनल पे DSLR मिररलेस कैमराज, GoPro, ड्रोन वगैरह की वीडियोस ही शूट करता हूँ, बनाता हूँ, और उसके स्पेक्स जो है वो आप दोस्तों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमें जो, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, इसके साथ जो हमें लेंस मिल जाता है वो मिल जाता है 1650 का किट लेंस हमें मिल जाता है, जिसका अपर्चर है 3.5.6 का, जो एक बेसिक किट लेंस होता है उसी तरह का हमें। इससे पहले जब DSLR में जो किट लेंस आता था उसमें जो हमें मिलता था वो 1855 का मिलता था। इसमें ज़रा 1650 का जो है वो हमें किट लेंस मिल रहा है। इसमें वाइड एंगल जो है वो काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता है। यहाँ पे वाइड एंगल में मैं वीडियो शूट करके भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, उसके अलावा अगर इसकी ISO रेंज की बात करें तो इसकी ISO रेंज जो है वो 100 से 51,000 के अराउंड हमें इसका ISO मिल जाता है। दूसरे, इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 75 मिनट्स तक ये जो है वीडियो शूट कर सकता है। 4K 30fps पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, जबकि 1080 120fps पे ये वीडियो शूट। इसके साथ जो हमें LCD मिल जाती है इसमें, वो मिल जाती है 3 इंचेस की स्मूथ टच LCD मिल जाती है। उसके अलावा हमें माइक का ऑप्शन मिल जाता है, फुली रोटेटेड जो है LCD मिल जाती है। यहाँ पर आपको फ्लैश का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश का, यानी कि बिल्ट इन फ्लैश नहीं है, आप एक्सटर्नल फ्लैश जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे व्यू फाइंडर का ऑप्शन जो है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। यहाँ पे आपने जो कुछ भी शूट करना है, वीडियो शूट करनी है या फोटो शूट करने हैं, वो आपको लाइव मोड पर ही शूट करने पड़ेंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो कह रहे थे कि यार, इसका Z सीरीज़ के अगर लेंसेज का बताएँ कि लेंसेज का क्या रेट है मार्केट में, वो कितने तक के हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं चीज़ कि यहाँ पे जो हमें Z सीरीज़ के लेंसेज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि 35mm है, वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर की प्राइस में पाकिस्तान में आता है, 1.5 लाख रुपए के अराउंड आपको मिलता है। इसका जो, अगर आप सोचते हैं कि आप DSLR वाले लेंसेज अगर आप इसके ऊपर यूज़ करें, जैसे कि 50mm 1.8G, 35mm 1.8G यूज़ करेंगे, तो उसमें ये है कि आपको जो अडॉप्टर है Z सीरीज़ का वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, यानी कि 35 से 45 के अराउंड आपको Z सीरीज़ का अडॉप्टर मिलेगा। बाकी दोस्तों, इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें, जो मैंने इनडोर में शूट किया है वो कुछ इस तरह की है। हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ Z30 से, और इसके साथ जो मैंने लेंस अटैच किया हुआ है वो इसका अपना बेसिक लेंस है, 1650 किट लेंस है। यहाँ पे जो ISO की जो रेंज मैंने रखी है वो है 3200, और जो अपर्चर है वो है 3.5 पे मैंने अपर्चर सेट किया हुआ है, और जो शटर स्पीड है वो मैंने 100 जो है वो की हुई है। ये नाइट में इनडोर का रिज़ल्ट जो है वो आप देख रहे हैं। अभी हम जाके इसको आउटडोर में भी शूट करेंगे और देखेंगे कैसा रिज़ल्ट हमें आउटडोर में मिलता है। दोस्तों, सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ मैं नाइकॉन के Z30 से, और जो इसकी शटर स्पीड है वो 160 पे है, अपर्चर जो है वो 7.1 पे है, ISO रेंज जो है वो है जी आपकी, इस टाइम पे मैं जो शूट कर रहा हूँ 100 पे है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसके अंदर अभी मैं 16mm पे यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि वाइड एंगल जो है वो किट लेंस का 16 से स्टार्ट होता है, तो 16 पे ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैनुअल सेटिंग्स पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इस कैमरा के अंदर आपको कहीं पे भी इमेज स्टेबलाइजर जो है वो वीडियो में या पिक्चर्स में कहीं पे भी नहीं मिलता। ये थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है, जब भी आपने यूज़ करना है वो गिम्बल के साथ करना है। बाकी आप इसकी वीडियो क्वालिटी जो है वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर ये आपने देखा, ये डे और नाइट में दोनों का ही जो मैंने शूट किया था वो दोनों ही मैंने आपको दिखा दिया था। काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल है इसका लेंस, 16mm जब काम करता है तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये आपको डे में ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा। नाइट में इसका अपर्चर जो है वो कुछ खास नहीं है, तो वहाँ पे आप जब ISO रेंज बढ़ाएंगे तो आपका जो है नॉइज़ आने के चांसेस जो रहते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए पाकिस्तानी मार्केट में, तो ये लगभग जो न्यू आता है वो 2,43,000 रुपये का आता है, और जो यूज़ में आपको मिलता है वो मिलता है पाकिस्तानी मार्केट में 170, 180, 190 के अराउंड आपको यूज़ में जो है ये Z30 मिल जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी बता दूँ कि इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपकी कोई बैटरी ख़राब हो जाती है या
भूल जाती है। सबसे पहले आपने ध्यान इस चीज़ का करना है कि जब भी आप जेड सीरीज़ का कोई भी कैमरा लें तो कोशिश करें उसको ओरिजिनल चार्जर के साथ ही चार्ज करें। मार्केट से लोकल चार्जर की वजह से ना जो इनकी बैटरीज हैं वो फूल जाती हैं और फिर बैटरीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जैसे अब Z30 की बैटरी जो है वो मार्केट में आपको तकरीबन मिलती है, जो ओरिजिनल बैटरी है वो 15,000 से 16,000 रुपए की मिलती है, जबकि इसकी फर्स्ट कॉपी जो है वो आपको 6,000 से 7,000 रुपये में मिलती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो Nikon Z30 के हवाले से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे तमाम ही DSLR लेंसेज और तमाम जितने भी कैमराज हैं सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।